चलिए बच्चों, मैंने अभी अभी आपका 3D का जो कंसेप्ट था, जो मेन मेन पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। अब आइए उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए कुछ प्रश्न आज लेकर के आते हैं। आप उस कंसेप्ट का यूज करके जो है ना, आप उस कंसेप्ट का यूज करके आप अलग अलग जो राइटर का आपके पास किताबें होंगी, उस किताब से भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या पूछ रहा है आपसे? डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, DCS पूछ रहा है बच्चों। तो कैसे हल करोगे? आइए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने बताया था कि जब अल्फा बीटा और गामा आपका दिया रहता है, उस स्थिति में डायरेक्शन कोसाइन अगर अपने को निकालना होता है ना, बड़ा अच्छा तरीका हम बताए थे, दिक कोसाइन हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दिक कोसाइन। क्या कहते हैं? दिक कोसाइन। ओके बच्चों, तो मैंने बताया था एल बराबर कॉस अल्फा, अल्फा की जगह कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री का मान 0। फिर अगला बताए थे एम बराबर कॉस बीटा, अब बीटा की जगह कितना डिग्री है? 135। तो 135 डिग्री का वैल्यू आपको बताया गया होगा क्लास 11th में। तो कॉस 180 में 45 घटा दोगे तो 135 हो जाएगा। पाई माइनस टीटा माइनस कॉस टीटा होता है, तो माइनस कॉस 45 का जितना वैल्यू आएगा वही आपका कितना का वैल्यू हो जाएगा? 135 डिग्री का। तो देयरफॉर माइनस 1/√2 हो जाएगा। और आइए एक तो एन बराबर कॉस गामा, तो कॉस गामा बोले तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या क्या आ गया? 0, -1/√2, 1/√2। ओके बच्चों, यही आपका पहला क्वेश्चन कह रहा था कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया भी कंसेप्ट और सवाल में भी यूज उसका कर लिया मैंने। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन। अब आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4। देखो क्या दिया, -18, 12 एंड -4। ओके, और आपसे पूछ रहा देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, समझ में आया? अब डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है आपसे, तो निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, एल बराबर क्या करोगे? -18। अब बाई क्या करना है? -18 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर पर क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। आइए सॉल्व करते हैं। -18/18 का स्क्वायर जब देखोगे आप तो 300 क्या हो जाएगा? 24। फिर आगे बढ़ोगे जब आप 12 का स्क्वायर जब करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16। इन सब को आप जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? -18/2, 4 4 8, 6 14, 1 और 2, 2 हो गया 4 2 6 और 2 8, 3 और 1 4, 484। किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? तो 22 का होता है। कितना का होता है? 22 का। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे 9 और ये क्या हो जाएगा? 11। तो -9/11 आपका ये हो गया किसका वैल्यू? तो L का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? L का वैल्यू आपका इतना हो गया। अब आइए M जब निकालोगे फिर वही 12, अब बट्टे फिर इतना ही स्क्वायर करते हो, तो अभी अभी तो करके रख चुके हैं आप, कितना निकाले हैं? 22। इनको काटो तो 6/6 कितना हो गया? 11। जब n का मतलब क्या? -4/2 फिर 22 हो जाएगा। कट करोगे तो -2, अब बट्टे कितना हो गया? 11। तो देयरफॉर अगर आपसे पूछ रहा था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन मैं बता दूं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन आपका पहला आया -9/11, दूसरा आया 6/11, तीसरा आया -2/11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। जिन भी बच्चों को क्वेश्चन का PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या नहीं तो सीधे आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करोगे सर क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन आपको सेट भेज दूंगा। अब आगे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 1 माइनस 1
और आपका दिया हुआ है 1-1 और है आपका 2, ये दिया है। और दूसरा पॉइंट है 3-4 और -2, एक लाइन का आपका ये है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। चलो थर्ड क्वेश्चन लेकर के आना है हम लोग को ना, आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब थर्ड क्वेश्चन क्या करा देखो, सो डैट द थ्रू द पॉइंट इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। अब परपेंडिकुलर लाइन कह रहा है तो ये लाइन, ये लाइन, इसको मान लीजिए पी क्यू और इसको मान लीजिए ए, अब बी ए और क्या, इसको मान लीजिए बी। तो चलो पहले वाले का पॉइंट आपको दिया हुआ है 1-1 और 2, इनका दिया हुआ है 3-4 और -2, अब पी वाले का दिया है इनका 0-3 और 2, इनका दिया है 3-5 और 6। ओके, अब कह रहा है ये बताइए परपेंडिकुलर है, तो उनके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एक एक लाइन के बारे में बात करेंगे, पी क्यू के बारे में, है ना। जब पी क्यू का हम एल निकालेंगे या ए वन ए टू बात करके भी कर सकते हैं आप, ए वन निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो करके निकालते हैं, 3 में 1 घटेगा कितना बचेगा 2, फिर बी वन निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं बॉस, 4-1 + 1 कितना हो गया 5, फिर सी वन निकालेंगे अगर -2 कितना हो गया -4। ओके, दूसरा लाइन है अपने पास, कौन सा लाइन है, ए बी। अब इस ए बी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ए टू बी टू और क्या हो जाएगा सी टू, तो ए टू क्या होगा वो देखो, तो ये लाइन है तो ए टू 3 में 0 को घटा दीजिए आप 3, 5 में 3 को घटा दीजिए आप 2, 6 में 2 को घटा दीजिए कितना हो गया 4, ये मेरा निकल गया। अब अपने को बताना है कि ये लाइन आपका परपेंडिकुलर है, तो बता दूं बच्चों परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन बताया था क्या, 4 परपेंडिकुलर कंडीशन क्या बताए थे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर क्या होना चाहिए 0। अगर वो 0 हो जाता है तो कहिएगा आप क्या कि हमारा वो परपेंडिकुलर है। तो चलो वैल्यू निकल गया है 2 × 3 + 5 × 2 + -4 × 4, आइए 3 × 6 5 × 10 4 × 4 = 16, तो 10 और 6 = 16 - 16 कट गया तो क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो आपका 0 आ गया है, इसका मतलब हम कहेंगे क्या पी क्यू परपेंडिकुलर है किसका, तो ए बी का, पी क्यू परपेंडिकुलर है किसका ए बी का, शायद यही अपने को प्रूव करना था कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कहेगा दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए, या अगर आपको बात और करना है तो डायरेक्शन कोसाइन से भी आप जा सकते थे, रिजल्ट विल बी सेम। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन। अब अगली क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, चौथा नंबर प्रश्न है, ये चौथे नंबर प्रश्न में क्या करें, सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इज पैरेलल। अब अगला है पैरेलल के बारे में बात कर रहा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू, तो ए का कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या दिया है, 4, 7 और 8, और इनका दिया है 2, 3 और 4, और आगे बढ़ोगे -1, -2 और 1, इनका देखोगे 1, 2 और क्या है 5। ओके बच्चों अब दिखाना है पैरेलल, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या है कंडीशन। तो पहले किसका बात करेंगे, ए बी लाइन का बात करते हैं, तो आइए ए बी लाइन में हम सबसे पहले निकाल लें, वही सेम चीज़ आ रहा है, ए वन निकाल लेंगे, बी वन निकाल लेंगे, सी वन निकाल लेंगे। अभी अभी मैंने तरीका भी सिखाया था, 2 - 4 बोले तो -2, फिर 3 - 7 बोले तो -4, फिर 4 - 8 बोले तो -4। ओके बच्चों अगेन आप जब देखोगे पी क्यू लाइन के बारे में बात करोगे, पी क्यू लाइन के बारे में, तो पी क्यू लाइन के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए टू बी टू और क्या सी टू, तो क्या हो जाएगा 1 - -1 ये हो गया 2, फिर आगे देखोगे 2 - -+2 हो गया 4, फिर आगे देखोगे 5 - 1 कट के कितना 5,
और माइनस एक, अच्छा ये पाँच माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा चार। अब आइए सबको सॉल्व करिए, है ना। तो परपेंडिकुलर का पैरेलल का कंडीशन क्या है पता है ना, पैरेलल का कंडीशन क्या है, तो फोर पैरेलल, पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया था, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू बराबर सी वन बट्टे सी टू, यही ना कंडीशन है रे। अब आइए इनका यूज करते हैं, वैल्यू तो लिखा हुआ है ही मेरे पास। तो ए वन का वैल्यू कितना आया है माइनस टू बट्टे टू, बी वन का वैल्यू माइनस चार बट्टे चार, सी वन का वैल्यू माइनस चार बट्टे चार, सबको जो अपने आप में कट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वन वन वन, सब वन वन में कर जाएगा, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो सबका रिजल्ट मैंने क्या देखा, ईच एंड एवरी रिजल्ट बराबर है। तो जब सब बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या, हैंस दे आर पैरेलल, हैंस दे आर पैरेलल, ओके। कहने का मतलब ए बी पैरेलल हो गया किसका, पी क्यू का, यही तो अपने आप को प्रूफ करना था, आसानी से प्रूफ कर बैठे का, है ना। जिनको भी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, तो मैं इनको पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ओके बच्चों। और ये मैं सब्जेक्टिव डोज का सलूशन करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव का सलूशन करा रहा हूँ बच्चों, परेशान आपको नहीं होनी है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट, अगला आ जाओ नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। अब फाइव नंबर में क्या कर रहा है वो देखिए आप ध्यान से, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। अब कौन सा पूछ रहा है, वेक्टर इक्वेशन भी पूछ रहा है और कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ रहा है। अब द पॉइंट, पॉइंट दिए हुए हैं वन टू और थ्री, और एक इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा, इससे ए बना लेंगे, ए बना लेंगे तो क्या बनेगा, आई प्लस टू जे प्लस क्या बनेगा थ्री के, इसको मैंने क्या कर दिया आर वेक्टर, ये ए वेक्टर मैंने मान लिया, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर मैंने मान लिया इसका, ये ए वेक्टर है पाला वाला पॉइंट का। अब दूसरा एक और वेक्टर दिया है जिनका नाम है बी वेक्टर, वो दिया हुआ है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, ओके बच्चों। अब अपने को दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, सदिश समीकरण, क्या होगा वो बताइए, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से आप, मैंने फॉर्मूला बताया था थ्योरी में याद करो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। कहने का मतलब अगर आप रिजल्ट लिखना चाह रहे हो आंसर, तो ए वेक्टर का रिजल्ट क्या आया है, तो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर का भी यहाँ है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, ये जो आया ना आपका, इसी को हम कहेंगे कौन सा इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, वेक्टर इक्वेशन, ओके बच्चों। अब देखो अगला कह रहा है इसी में कार्टेशियन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, कार्ताई समीकरण, ओके बच्चों। अब सुनो कार्टेशियन इक्वेशन के मेरे फॉर्मूला मैंने लिखा था, याद करो, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो x माइनस एक्स वन बटे क्या बताए थे ए, y माइनस वाई वन बटे बी, z माइनस जेड वन बटे क्या बताए थे सी। अब सुनो x वन वाई वन जेड वन है क्या, तो दिस वैल्यू इज x वन वाई वन जेड वन एंड दिस वैल्यू इज ए बी एंड सी, ओके बच्चों। तो x माइनस एक्स वन, एक्स वन का रिजल्ट वन, अब a का वैल्यू कितना, यहाँ देखो कितना दिया हुआ थ्री, फिर y माइनस वाई वन, वाई वन ये देख लो टू, अब बटे कितना b, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ दो, फिर z माइनस जेड वन, जेड वन का वैल्यू क्या है यहाँ देखो कहाँ गया, यस ये थ्री, अपॉन क्या हो जाएगा c, तो c का वैल्यू यहाँ क्या है देखो माइनस टू। ये जो आपका रिजल्ट आया ना, ये जो आप आपके सामने रिजल्ट जो दिख रहा है, ये रिजल्ट आया किसका, तो कार्टेशियन इक्वेशन का। तो बच्चों वेक्टर इक्वेशन में आपका आई जे के सब आपको दिखाई देगा, और कार्टेशियन जब इक्वेशन लिखिएगा ना, तो वो एक्स वाई जेड के टर्म में आता है। आपको मैंने थ्योरी में भी कंसेप्ट सिखा दिया है, अभी मैंने सवाल भी बना दिया है। अब इस टाइप का सवाल
अगर आप एनसीईआरटी बुक पलटते हो 11.1 तो वहाँ आपको 3D वाले मिल जाएगा। किसी सिन्हा में पलट के देखोगे वहाँ भी 3D वाले चैप्टर में ये सब कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वहाँ से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ, बार बार कह रहे हैं ना, मन समर्पित तन समर्पित तब गणित समर्पित। समझ रहे हैं ना? अब मन कहीं और भटक रहा है तब तो गणित नहीं होने वाला है, तो मन से और तन से मेहनत करिए गणित में तो गणित आपका आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। नहीं तो नहीं होने वाला है। अब मैथ ही एक क्या बोलोगे, बैकबोन है पूरा। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो तो आपको मैथ के बिना काम नहीं चलने वाला है। मैथ तो आएगा ही आएगा, मैथ पीछा छोड़ने वाला ही नहीं तेरे को। कितना भागोगे? जितना भागोगे उतना और भगाएगा मैथ आपको, है ना जी? हाँ, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन में आ जाइए बॉस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 6-5 तो हो गया, अब 6 में आ जाओ। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -4 और -5। इससे पास करेगा एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, एक लाइन भी आपका दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन एक दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा का समीकरण भी अपने को दिया हुआ है, और वो क्या है, तो एक्स प्लस 3/3, वाई माइनस 4/5 और जेड प्लस 8/6। ये आपको दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट से होकर के पास करें और वेक्टर और कार्टिजन दोनों इक्वेशन आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आई क्या, कहना क्या चाह रहा है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेक्टर इक्वेशन निकालूंगा, है ना, सदिश समीकरण। अब आप ही बताइए बच्चों, सदिश समीकरण के लिए करना क्या चाहते हैं आप? फॉर्मूला याद है ना? कौन सा फॉर्मूला? वही छोटी सी फॉर्मूला, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी है। ओके बच्चों, अब आपके पास एक समस्या है, सर ए कहाँ है बी कहाँ है? दे बच्चा, अभी अभी तो मैंने चर्चा किया था, ए कहाँ है? ऊपर वाले को ए मानो आप, तो -2i + 4j अब -5k, ये हो गया ए। दूसरा अब बी कहाँ है भाई? तो बी तो यहाँ नीचे दिया हुआ है अपने को, तो बी यहाँ मान लो आप, 3i + 5j + 6k। ओके बच्चों, अब जब इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन अब क्या होगी, आप तो बैठा दो वैल्यू ए, तो ए का वैल्यू तो है ही -2i + 4j - 5k, फिर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, तो यहाँ है 3i + 5j + 6k। ओके बच्चों, ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट किसका आया है? सदिश समीकरण, दैट मीन वेक्टर इक्वेशन का। अब आइए इसी में एक और पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कार्टिजन इक्वेशन भी पूछ रहा है आपने से। कौन सा इक्वेशन? कार्टिजन इक्वेशन कौन सा? कर्तई समीकरण। कौन समीकरण? कर्तई समीकरण। ओके बच्चों, अब कर्तई समीकरण में क्या होगा, तो फॉर्मूला तो याद ही है आपको ना, x-x1/a y-y1/b z-z1/c। अब जब देखोगे आप, थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज करते हैं, रिजल्ट में कंसेप्ट का यूज किया जाए। एक्स माइनस, अब बोलोगे सर एक्स वन कहाँ है, तो आइए ना भाई, यही तो एक्स वन है, वाई वन है, जेड वन है, रखो ना, तो --+2, फिर y-y1, तो y1 ये हो गया, फिर बटे z-z1 कहाँ है, यहाँ, तो --+5 बटे तो ABC, तो ABC कहाँ है भाई, तो ये है A, ये है B, ये है C, तो 3, 5 और 6, ये जो आपका निकला ना, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो बोलो बच्चों, वेक्टर इक्वेशन भी समझ में आ गया, कार्टिजन भी इक्वेशन समझ में आ गया। वेक्टर इक्वेशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, कार्टिजन इक्वेशन को एक्स वाई जेड के टर्म में आपको लिख दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस चलो अगली प्रश्न आपके सामने आने ही वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा अच्छा प्रश्न है बॉस, 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला? फाइंड द एंगल बिटवीन, दो इक्वेशन दिया, इसका भी कंसेप्ट मैंने थ्योरी में बताया, 2i-5j+k, अब प्लस लेमडा इंटू 3i+2j और प्लस 6k। ओके, एक और आर दिया है बच्चों, 7i-6k प्लस μi+2j+2k। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे? एंगल, दैट मीन्स कोण क्या होगा बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो वेक्टर का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अब उसमें से आपको पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, वही थीटा अपने को निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो तरीका तो मैंने बताया ही था, एक फॉर्मूला याद करो भाई, एक फॉर्मूला अगर आपको याद करोगे, ये अगर आपका A1 है, ये अगर आपका B1 है, ये अगर आपका A2 है, ये आपका अगर B2 है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या बताए थे याद है? cos थीटा बराबर B1 / B2/B1 का मैग्नीट्यूड इनटू क्या बताए थे? B2 का मैग्नीट्यूड, याद है कि नहीं रे बच्चा? भूल तो कहीं नहीं गया रे? भूल को भूल समझ के भुला मत देना, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आइए अब हम सॉल्यूशन करते हैं, जब फार्मूला जानते ही हैं तो सॉल्यूशन करने में क्या दिक्कत? तो चलो भाई, मेरे पास B1 कितना है, पहले B1 को लिख लिया जाए, सामने सामने बैठाया दिया जाए, 3i+2j+6k। अब आइए B2 में क्या है, देखो i+2j+2k, ये दिया हुआ B1 B2 हो गया। तो अपने को क्या क्या चाहिए? तो जो जो चाहिए पहले निकालो, पहले क्या चाहिए? B1 / B2 चाहिए, आराम से निकाल सकते, कल ही तो सिखाए थे, i × i1 तो 3 × 2 = 4 × 6 = 12, तो 12 × 4 = 16 और 3 कितने हो गए? 19, 12 × 4 = 16 = 19। ओके बच्चों, अब आगे बढ़िए, B1 का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड निकालने आता है मैग्नीट्यूड, चलिए निकालते हैं। यहाँ देखो क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ देखो क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर राइट लिख दो 4, क्यों इतना झोल लगाए क्या, तो 4 हो गया। फिर आगे बढ़ोगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो 36 + 4 = 40 + 9 = 49 कितना हो जाएगा, 7। एक और निकालना है B2 का मैग्नीट्यूड, चलिए ये भी निकाल लेते हैं, कहाँ गया ये, I के बगल में 1 है तो 1 हो गया, J के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, K के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 = 8 + 1 = 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। ओके बच्चों, तो मैंने क्या क्या किया, B1 / B2 निकाल लिया, और क्या किया, B1 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और क्या किया, B2 का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल के रख लिया। अब जितना भी आप निकाले हैं ना, उन सबको आप फॉर्मूला में रखिए, तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या है, B1 / B2, तो B1 / B2 फॉर्मूला में बैठाइएगा तो कितना है, 19, फिर B1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 7, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, तो cos थीटा बराबर 19/7 / 21, तो थीटा बराबर cos को भेज दो उधर, तो cos इन्वर्स 19 कितना हो गया, 21। ये जो आपका निकला, ये क्या निकला, यही निकला आपका एंगल, बोले तो कोण, याद रहेगा, कितना आसान क्वेश्चन था ना जी, समझ में आ गया ना, समझ समझ के समझना भी एक प्रकार का क्या होता है, समझना होता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आइए 8, बड़ा सुंदर प्रश्न है 8 नंबर भी आपका,
एट नंबर में देखिए क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन, वही जो सभी बताए थे उसी टाइप का प्रश्न है। एक्स माइनस टू फिर टू बराबर है वाई माइनस वन अबटे फाइव, फिर क्या है जेड प्लस थ्री अबटे माइनस थ्री, एक दिया हुआ आपका। दूसरा एक और इक्वेशन है एक्स प्लस टू अबटे माइनस वन, फिर वाई माइनस फोर बटे एट और जेड माइनस फाइव बटे फोर। अब ये देखो कौन सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है बच्चों, आप तो कह ही सकते हो सर ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है, आप तो पहचान ही सकते हैं ना ये इक्वेशन कौन सा है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अब अपने से पूछ क्या रहा है, अपने से पूछ रहा है एंगल मतलब थीटा क्या होगा बताइए, यही पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा बताइए, आपके पास यही प्रश्न है एक बार देख लो। यस, अब आइए इनको भी हम बनाने जा रहे हैं मास्टर। कैसे बनाओगे आपको तो पता ही है, तुरंत सभी सिखाए भी थे कॉन्सेप्ट। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन देखो बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन में एंगल की बात अगर करता है तो एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला ए होता ए वन है तो ऊपर वाला यहाँ का ए टू है, नीचे वाला यहाँ का बी वन है तो नीचे वाला यहाँ का क्या है बी टू है, क्योंकि फार्मूला में अगर आप याद करो जो मैंने फार्मूला लिखाया था एक्स माइनस एक्स वन बटे ए वाई माइनस वाई वन बटे बी और जेड माइनस जेड वन बटे क्या होता है सी, याद है ना, तो नीचे वाला ही तो ए कहलाता है, तो नीचे वाला यहाँ पे है क्या टू फाइव और माइनस थ्री, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मेरा आ गया कार्टेशियन इक्वेशन में एक है बी वन मतलब टू आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री के, ये वाला में क्या है आपका देखो बी टू, अब बी टू में क्या आ गया माइनस आई प्लस एट जे प्लस फोर के। ओके बच्चों, आई जे और के। अब अपने को जब सॉल्यूशन पे चलना है एंगल निकालना है, मेन पॉइंट तो मैंने लिख ही लिया, अब जब एंगल पे चलना है तो एंगल पे चलने के लिए क्या क्या चाहिए, बी वन डॉट बी टू चाहिए, क्यों ना बी वन डॉट बी टू निकाल लिया जाए, टू माइनस टू हो गया, यहाँ इससे करोगे आठ पंचे चालीस, इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, जब आप देखोगे तो बारह और दो चौदह पे चालीस अगर घटा दोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा छब्बीस। ओके बच्चों, अब आइए बी वन का क्या निकाल दूँ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ देखो बी वन दो का स्क्वायर चार, पाँच का स्क्वायर पच्चीस और तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस नाइन, तो 25 चार 29 और 9 जब इसको ऐड करोगे 38 हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई परेशानी किसी को नहीं हो रहा। अब आइए बी टू का मैग्नीट्यूड, तो बी टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 अटी अटी 64, फिर चार चौके 16, तो 64 और 16 अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे 80 और 1 81 रूट 81 दैट मीन्स 9। फार्मूला यूज करिए cos थीटा, फार्मूला क्या बताए थे बी वन डॉट बी टू अपॉन बी वन का मैग्नीट्यूड फिर बी टू का मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, यस सारा वैल्यू अपने पास दिख ही रहा है, तो आइए सीधा रखिए बी वन डॉट बी टू का वैल्यू कितना है 26, इनका कितना निकाले हैं रूट 38 इंटू कितना है 9। ओके बच्चों, तो ये कॉस थीटा, अब अगर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 26 बटे 9 और रूट 38, ये जो आपका आया ना ये फाइनल आपका आउटपुट आ गया किसका एंगल का, किसका आ गया एंगल का आ गया, कोण निकालने का तरीका आ गया। तो बच्चों बताओ 3D वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, पहले एक बार थ्योरी ज़रूर देख लीजिएगा, थ्योरी के बाद तब आप सवाल को देखिएगा, जब आप सवाल को देखने लगेंगे ना तो आपसे बुक का भी सवाल बनने लगेगा, चाहे वो NCERT हो चाहे KCSE ना हो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे बनेगा ये मैं वादा करता हूँ आप लोग से। फिर भी अगर डाउट होता है प्रॉब्लम होता आप मेरे से डाउट पूछ भी सकते हैं, प्रॉब्लम मेरे को पूछ सकते हैं। देखो भैया आपके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना आप मेरे लिए एक मेहनत कर सकते हैं क्या, केवल दोस्तों को बताना है कि हाँ राकेश सर के चैनल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन बैच प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो आप भी जुड़ जाइए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
आप भी वहाँ से लाभ उठाइए और मेरे साथ आपका भी रिजल्ट बेहतर होगा। कम से कम आप अपने दोस्तों तक ज़रूर इन बातों को पहुँचाइए, यही मेरा काम करना है। कहिएगा आप लोग इतना काम। तो चलिए, आज तो मैंने कुछ 8 प्रश्न ही लेकर के आया है। अगले वीडियो में 3D का एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप 2 वाले जो प्रश्न होंगे, प्लेन वाला आज बात नहीं हुई है, प्लेन का इक्वेशन हो या डिस्टेंस हो कैसे निकालना है, वो कंसेप्ट तो मैंने सिखाया लेकिन सवाल में इसका यूज नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आएगा उस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको उन सभी सवालों से मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए, आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में निरंतर व्यस्त रहिए। धन्यवाद।